मेरी ओर से माननीय मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण को भी डीओ लेटर प्रसिद्ध किया गया है। मैं समझता हूँ इस प्रमोशन प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति अच्छी रहेगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस एवं मीडिया से भी आम जनता को काफ़ी अपेक्षाएँ होती है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका को मजबूती प्रदान करने में भी प्रेस सदैव सहभागी रहा है। झारखंड के विभिन्न प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों को भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसी कामना के साथ ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और मैं एक विशेष जानकारी के रूप में इस प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन किन मुद्दों पर किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं और आज इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कौन कौन चीज पर चर्चा करना जरूरी है, इसमें हम लोग कई बिंदु पर विशेष फोकस डाला है, कई बिंदु पर विशेष ध्यान दिया है, जैसे कि संसदीय विशेषाधिकार, सदन में जन सरोकार के मुद्दे उठाने का अवसर, विधायी एवं वित्तीय कार्यपत्रता युक्त विधान, समिति व्यवस्था, वित्तीय एवं अन्य विधायी कार्य, प्रभावी विधायिका एवं विधायक के समक्ष चुनौतियां और इन तमाम विषयों का जितने सारे सवाल माननीय विधायक के मन में आएंगे उनका भी जवाब हम लोगों के बीच में जो संविधान के जानकार व्यक्ति आ रहे हैं उनका भी समाधान करेंगे। और उक्त विषय पर वक्तव्य हेतु संसाधन पुरुष के रूप में आ रहे हैं श्री जी सी मल्होत्रा साहब, संविधान विशेषज्ञ और पूर्व महासचिव लोकसभा श्री एन के सिंह, पूर्व अपर सचिव राज्यसभा सह संसाधन पुरुष DPST, लोकसभा श्री चक्षु राय, TRS लेजिस्लेटिव रिसर्च में लेजिस्लेटिव कार्यों के संचालक प्रमुख ने अपनी सहमति व्यक्त किया है।